الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. السلام عليكم भाई और दोस्तों, मैं सैज़ शान मेहदी आपकी सेवा में हाज़िर हुआ हूं अपने प्रोग्राम को लेकर. स्टूडियो में हमारे सवालात का जवाब देने के लिए हाज़िर हैं अली जनाब मौलाना सैयद अस्करा साहब क़िबला. मैं मौलाना साहब का स्वागत करता हूं. मौलाना साहब सलाम अलैकुम. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम अख़लाक़ इस्लामी के विषय पर आपके सामने पेश किया जाता है. एक बार फिर उसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं. हमारा आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह जुहद के ऊपर होगा, जहां पर मौलाना साहब से विशेष जानकारी हासिल करेंगे. मौलाना साहब, सबसे पहले आज सवाल इस प्रोग्राम में आपसे सवाल ये है, क्योंकि पिछला प्रोग्राम जो तवक्कुल के बारे में था वो तमाम नहीं हो पाया था, उसके दो तीन सवाल बचे हैं, उसके बाद हम जुहद के ऊपर कुछ सवाल करेंगे. पहला सवाल ये है कि तवक्कुल के माने, जैसा कि आपने बताया था कि परवरदिगार पर भरोसा करना, परवरदिगार से उम्मीद लगाना, लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि आज के दौर में खुसूसन कि हर आदमी के काम दूसरे पर मुनहसर हैं और दूसरे से वाबस्ता हैं, तो आया ये तवक्कुल के मुआफिक है या मुनाफी है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन, वहुवा खैरुन नासिरीन वमुईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अम्मा बाद. देखिए, तवक्कुल के माना जैसा कि हमने बयान किए हैं वो ये है कि अल्लाह पर भरोसा करना जी, अपने कामों को सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द कर लेना. सबसे पहले तो मैं तवक्कुल के माना में एक चीज़ को इजाफा कर देना चाहता हूँ, वो ये कि तवक्कुल का मतलब जो है वो ये है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जी, यानी आलम असबाब में जो जिम्मेदारियां हैं, जो एहतियात हैं, उन सब को अंजाम देने के बाद अल्लाह पर भरोसा करें. यह नहीं कि इंसान जो है वो घर में लेटा रहे, आराम करता रहे, माँ बाप या बीवी बच्चे आकर कहें कि काम के लिए जाइए, खाना खाना है, कहा कि नहीं, हमको अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह खिलाएगा. चुनांचे जो है वो एक शख्स मदीने में पैगंबर से मुलाकात के लिए आया जी. मस्जिद नबवी के बाहर उसने अपने ऊँट को खुला हुआ छोड़ दिया जी. और पैगंबर इस्लाम से मुलाकात करने के लिए चला गया. जैसे ही पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुँचा कि एक शख्स उसके पीछे दौड़ा हुआ आया और आने के बाद कहता है कि उस मुसाफिर को मुखातब करके जो पैगंबर से मिलने के लिए आया है जी. कि आपने अपने ऊँट को खुला हुआ छोड़ दिया है जी. इस शख्स ने कहा कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है जी. पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये नहीं है जी. जाओ, पहले ऊँट को बांधो जी. उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो जी. यानी पहले इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे जी. नतीजे के लिए अल्लाह पर भरोसा करे जी. काम के लिए अल्लाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. फसल बोने का मौसम है, गेहूं बोने का मौसम है, इंसान जो है वो ना खेत की सफाई करता है, ना खुदाई करता है, ना पानी देता है, ना उसमें बीज डालता है. घर वाले कहते हैं, कहा कि अल्लाह पर भरोसा है, गेहूं हो जाएंगे. जब खेत की सफाई नहीं की है, दाना नहीं डाला है, पानी नहीं डाला है, जब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं, तब तक जो है वो अल्लाह पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अल्लाह पर भरोसा अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने के बाद करना है. अब इंसान अगर कहे कि जनाब फिर अल्लाह पर भरोसा कैसा, जब हमने पानी भी दिया, गेहूं भी दिया, और सब कुछ हमने, सारा काम हमने किया, तो फिर अल्लाह का क्या काम रहा इस पर? अल्लाह पर जो भरोसा किया उसका क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पर इसी मिसाल में अपने दोस्तों के लिए बयान कर दूं कि हमने जो एक छोटा सा दाना 5 किलो मिट्टी के नीचे डाला है, उस दाने में इतनी ताकत नहीं है कि वो 5 किलो मिट्टी के सीने को छाक करके बाहर निकल आए जी. उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि जब गेहूं या इसी तरह की दाने वाली चीज़ें बोई जाती हैं तो कुछ एक दो दिन जो है उसकी लोग देखभाल करते हैं जी. ताकि जो है वो चिड़ियां सारे दाने ना चुग जाएं जी. तो अल्लाह पर भरोसा करने के मतलब, और अल्लाह का क्या काम है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि
ये दाना सीने को चाक करके नहीं निकल सकता है, जी अल्लाह इसको इतनी ताकत अता करता है कि ये 5 किलो मिट्टी के नीचे से जो है वो निकल कर आ जाता है। जी अलबत्ता ये 5 किलो जो तकलीबी जी है, या इसी तरीके से अल्लाह इसको ताकत अता करता है कि ये दाना सालिम रहे, वरना जी ये दाना ख़राब भी हो सकता है। अल्लाह जो है वो ये इंतजाम करता है कि चिड़ियाँ दाना सारे दाने ना जी उठा ले जाएं। जी इसी तरीके से आज के ज़माने में देखें, आज के ज़माने में जो है वो गेहूं बनाया गया है, लोगों ने गेहूं बनाया बेआईनी ही, उसी साइज़ का, जी उसी शक्ल का, उसी रंग का गेहूं बनाकर तैयार किया। जी जब उसको खेत में ज़मीन में डाला तो वो उगता नहीं है। जी गोया यानी उस शक्ल और सूरत को तो बना सकते हैं, जी लेकिन उसके अंदर जो रूह है जी जिसके ज़रिए से वो एक से ज़्यादा होते हैं, वो रूह नहीं फूंक सकते हैं। जी ये रूह फूंकना अल्लाह का काम है। तो गोया मकसूद जो है वो ये है कि इंसान पहले अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे, जी उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करे। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि इंसान जो है वो मस्जिद में तस्बीह लेकर बैठ जाए और कोई काम ही ना करे अंजाम ना दे, एक जी चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस ज़माने में लोगों के काम जो है वो एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जी एक इंसान जो है वो महीना भर काम करता है, उसके बाद जो है वो उम्मीद है कि मुझे कंपनी से तनख्वाह मिलेगी, किसी जी को उम्मीद है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को उम्मीद है कि फ़लाँ की सिफारिश से जो है मेरी जॉब वहाँ लग जाएगी, जी अगर फ़लाँ ये काम कर दे, मेरी सिफारिश वहाँ कर दे तो जॉब लग सकती है। लिहाजा लोगों को जो है वो दूसरों से उम्मीदें जी वाबस्ता हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं ये नुक्ता काबिले गौर है जो दोस्तों के लिए बयान कर दूँ कि हम जो दूसरों को वसीला बना रहे हैं, अगर हमारे जहन में ये बात है और हमारी जी नीयत ये है कि जो कुछ कर सकता है यही कर सकता है, ये काम इसी के हाथ में है, तो गोया ये गलत है और तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। जी लेकिन अगर हमारे जहन में बात ये है कि सबबे असली तो अल्लाह है, जी मालिक असली परवरदिगार है, जी असली सबब जो है, असली देने वाला अल्लाह है, जी ये अल्लाह ने एक वसीला बनाया है इस शख्स जी को हमारे लिए। तो न ये कि सिर्फ ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है जी बल्कि तवक्कुल के ऐन मुताबिक है, जी इसलिए कि अल्लाह ने ख़ुद अपने तक पहुंचने के लिए भी वसीले करार दिए हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, जी अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो। जी मानवी वसीले जो हैं हमारे पैगंबर जी हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम हैं, और दुनियावी एतबार से भी वो हर चीज़ के एतबार से हमारा वसीला है। लेकिन चूंकि उमूर दुनिया जो है वो एक दूसरे से वाबस्ता है, जी कहते हैं बुजुर्गान कहते हैं कि घर में कुआं खोद कर पानी नहीं पिया जा सकता है। जी लिहाजा दुनिया में जो उमूर एक दूसरे से वाबस्ता हैं, अगर हम सिर्फ इस उनवान से दूसरों से वाबस्ता हैं कि आमिले असली अल्लाह है, असली देने वाला जी अल्लाह है, ये सिर्फ वसीला है हमारे जी काम को अंजाम देने के जी लिए, और ये भी अल्लाह की जानिब से हैं, जी ये अल्लाह का इरादा है कि ये हमारे लिए वसीला करार पाएँ, जी तो ये सही है। लेकिन अगर इंसान समझता है कि अल्लाह का कोई दखल नहीं है, जी जो कुछ है या मैं हूँ या ये इंसान है, जी तो ये सरासर जो है वो तवक्कुल के ख़िलाफ़ है जी और बिल्कुल जो है वो दीन इस्लाम की नज़र से गलत है। शुक्रिया मोहन साहब। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि तवक्कुल ना करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? तवक्कुल ना करने के नुकसान जो हैं वो देखें, इंसान जब अल्लाह पर भरोसा नहीं करेगा, इस दुनिया में भी अगर मैं किसी से कहूँ कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो जी इंसान को जो है वो बहुत मुमकिन है कि बुरा लग जाए, जी और वो फिर अगर कोई काम किसी काम का इरादा भी हो तो जी उसको भी अंजाम ना दें। फिर जो है हम आयात की रोशनी में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, रिवायात की रोशनी में देख सकते हैं। चुनांचे जो है मैं यहाँ पर एक आयत पेश कर देता हूँ जो हमारे पहले सवाल से भी मरबूत है जी और इस सवाल से भी मरबूत है, जो जी इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी काफी है, अल्लाह ताला उसके लिए किफ़ायत करता है, अल्लाह ताला उसकी सरपरस्ती करता है। जी इसके बरखिलाफ़ अगर कोई इंसान, यानी देखें आयत के अंदाज़ को देखें, वमन यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर जो भरोसा करे, जी फहुव हस्बुहु, अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। जी आयत का तर्जुमा इस तरह, अल्लाह ही उसके उसके लिए लिए काफी, काफ़ी है, यानी जो जिस पर भरोसा करेगा वही उसके लिए काफी होता वो उसके लिए काफ़ी हो या ना काफ़ी हो, जो भी हो जी बहरहाल, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह से वो शिकायत नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह पर भरोसा करोगे जी तो अल्लाह काफ़ी होगा,
अल्लाह सरपरस्ती करेगा। लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अल्लाह जो है वो सरपरस्ती की उसकी किसी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा नहीं करेगा तो उसके नताइज जो हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। सबसे पहला और छोटा सा जो मैं एक नतीजा जिसको गुनाह नहीं कहा जा सकता है, गुनाह नहीं कह सकते हैं इसको, सिर्फ एक अल्लाह के अलावा एक दूसरे इंसान से उम्मीद लगाना, उम्मीद लगाना अल्लाह के अलावा किसी और से। एक छोटी सी बात जो है वो मैं अर्ज़ कर दूँ, देखें यहाँ पर गुनाह नहीं है लेकिन एक पैगंबर के लिए सज़ावार नहीं है, एक पैगंबर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो हमारी तरह के रबते भी दूसरे लोगों से बरकरार करें। हम जो हैं वो दूसरों को वसीला बना सकते हैं, दूसरों से तवसल कर सकते हैं, लेकिन नबी का मकाम हमसे बुलंद है, उसकी क़ुर्बत हमसे ज़्यादा है, लिहाजा उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चूँकि हम मकरूहात को अंजाम देते हैं, नबी के लिए सज़ावार नहीं कि वो मकरूहात को भी अंजाम दे। क्यों? इसलिए कि उसका मकाम बहुत बुलंद है और वो अल्लाह से बहुत नज़दीक है, और इंसान जितना नज़दीक होता चला जाता है उतनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, उतनी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। लिहाजा जो है वो नबी का मकाम हमसे बहुत बुलंद है। चुनांचे नबी के सिलसिले में सिर्फ एक ज़रा सा तवस्सुल किया है अल्लाह के अलावा किसी और से, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 8-9 साल जिंदान में रहना पड़ा। किसकी बात है? जनाब यूसुफ। हुआ क्या? दो लोगों ने ख्वाब देखा, उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया। जनाब यूसुफ ने कहा ताबीर ये है कि एक को फांसी पर लटकाया जाएगा, दूसरा अपने मकाम पर वापस हो जाएगा। जो मकाम पर वापस होने वाला था उससे कहा कि जब तुम बादशाह से मुलाकात करना तो उससे बताना कि एक ज़िंदानी यूसुफ है जो ख्वाब की ताबीर जानता है, जिसको जो है इस वजह से ज़िंदान में डाल दिया गया है। जनाब यूसुफ ने इस सिलसिले में, आज़ादी के सिलसिले में, उससे सिर्फ इतनी सी बात कही, जबकि इंसान जो है हकीकत में, एक इंसान जो ज़िंदान में है वो अपनी आज़ादी की कोशिश करता है, करनी भी चाहिए, लेकिन चूँकि मकाम नबूवत है लिहाजा सज़ावार ये है कि सिर्फ़ अल्लाह से लो लगाई जाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इंसान आया और आने के बाद जो है वो भूल गया और एक मरतबा जो है चुनांचे बाज़ रिवायत में है कि एक मरतबा इसको याद आया और बताना भी चाहा, लेकिन बादशाह का लड़का बीमार हुआ और फिर ये भूल गया कि कहना क्या चाह रहा था। तो उस एक गैर खुदा से तवस्सुल करने के सिलसिले में, वसीला लगाने के सिलसिले में, लो लगाने के सिलसिले में जनाब यूसुफ को कई साल जो है वो ज़्यादा ज़िंदान में रहना पड़ा, इजाफी ज़िंदान में रहना पड़ा। लिहाजा जो है वो इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से भरोसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर जो है मैं एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ और गुफ्तगू तमाम तवक्कुल के सिलसिले में, वो ये कि एक शख्स हुसैन बिन अलवान नाम का शख्स इमाम सादिक के ज़माने में एक मजहबी मजलिस में बैठा हुआ था, मुश्किलात में गिरफ्तार था। एक शख्स ने उससे कहा कि तुमने जो है वो अपनी इन मुश्किलों का कोई हल निकाला है? इसने उससे कहा कि हाँ। कहा कौन हल करेगा? कहा कि फ़लाँ शख्स मेरी मुश्किलात को आसान कर देगा। हुसैन बिन अलवान ने कहा कि फ़लाँ शख्स मेरी आसान को मेरी मुश्किलात को आसान कर देगा। उस शख्स ने कहा जो इसके साथ में बैठा था कि तेरी मुश्किल आसान नहीं हो सकती। कहा क्यों? का इसलिए कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है उसकी कसम खाकर कहता हूँ, अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी मुश्किलात आसान नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए कि तमाम मुश्किलात के हल करने की चाबियाँ मेरे हाथ में हैं, लिहाजा तवक्कुल करना है तो मुझ पर करो, भरोसा करना है तो मुझ पर करो। लिहाजा अगर इंसान अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करता है तो उसकी आसार और उसके नुकसानात ये हैं कि उसके मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है और मुश्किलात का हल नज़र नहीं आता। शुक्रिया मान साहब, बहुत बहुत। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई और दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारी बातचीत जारी है आली जनाब मौलाना सैयद अस्करी राव साहब क़िबला के साथ। मौलाना साहब, ब्रेक के बाद आपसे अगला सवाल ये है कि ज़ुहद की क्या तारीफ़ है?
ज़हद की तारीफ़ के सिलसिले में मैं ये बयान कर दूं कि ज़हद के लुग़वी माना है तर्क करना, जी छोड़ना। जी यानी ये कि इंसान जो है वो दुनिया से ज़्यादा रग़बत ना रखता हो, जी ज़्यादा दुनिया की तरफ, माल की जी तरफ, जी दौलत की तरफ इंसान ज़्यादा मायल ना हो। यानी दुनिया को, माल और दौलत को और दुनियावी तमाम चीज़ों को सिर्फ आखिरत तक पहुँचने का एक एक जरिया ज़रिया और वसीला जी समझे और इनसे उतना इस्तेमाल करे जितने के सफ़र में ज़रूरत ज़रूरत होती है। जी इसको ज़ुहद कहते हैं। जी कुरान मजीद ने ख़ुद ज़ुहद की तारीफ़ पेश की है, जी लिहाजा बेहतर यह है कि हम ख़ुद कुरान कुरान मजीद मजीद से जी इस्तफादा करें। जी इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेके ला तअसौ अला मा फातकुम। बहुत उम्दा तारीफ़ जो है जी वो एक जुमले में बयान की गई है। चुनांचे आयतुल्लाह महदवी कनी फरमाते हैं जी कि इस एक जुमले में जी अल्लाह ने जो है वो पूरी एक दुनिया के मतलब को बयान कर दिया है। यानी अगर दुनिया बैठकर लिखे, जी गुफ्तगू करे, बात करे, बताए, तो इस बलागत और इस हुस्न कलाम को नहीं पहुंच सकती है और इस मफहूम को नहीं बयान कर सकती जी है। इरशाद होता है, लेके ला तअसौ अला मा फातकुम। ज़ुहद ये है कि जो चीज़ तुमसे छिन जाए उस पर ज़्यादा अफसोस न करो। ला तअसौ क्यों? इसलिए कि इंसान का हुज्जत इस्लाम अल मुस्लिमीन आगे मोहसिन कराते फरमाते हैं जी कि हमारी मुश्किलात का असली सबब ये है, दुनियावी मुश्किलात जी का असली सबब ये है कि हमने जो दुनिया का जहन में तसव्वुर बनाया वो गलत है। जी आगे कराती फरमाते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं आराम की जगह, जी ऐश की जगह, लिहाजा जब हमने इसे आराम की जगह समझा है, ऐश की जगह समझा है, लिहाजा जैसे ही कोई कोई छोटी सी मुश्किलात है मुश्किल आएगी फ़ौरन नाराज़ परेशानियाँ हो जाएंगे, जी परेशान हो जाएंगे, अरे लाइट क्यों चली गई भी, जी या जो है मिसाल के तौर पर ये मुश्किल क्यों सामने आ गई, जी अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल को हल क्यों नहीं किया, जी आज हमारे पास पैसे नहीं है, कल ये नहीं है, जी परसों ये काम हो गया है, ये सारी चीज़ें। आप फरमाते हैं कि हमने दुनिया को समझा है आरामगाह आरामगाह समझा जी है, जबकि आप फरमाते हैं कि दुनिया की हकीकत कुछ और है। दुनिया जो है वो मोमिनीन के लिए कैद खाना है। कैद जी मुश्किलात खाने में क्या होता है? कैद होती हैं, खाने में अजियत होती सरासर हैं मुश्किलात जी हैं, सरासर परेशानियां हैं, कैद खाने में आज़ादी नहीं है। लिहाजा जो है वो इंसान ने जो दुनिया का तसव्वुर अपने जहन में बनाया है जी वो गलत है। जी अगर इंसान ये तसव्वुर करे कि हमारा कुछ नहीं है, ना हमें यहाँ रहना है, जो कुछ है वो खुदा का है, जी चुनांचे बुज़ुर्गों की हिकमतों में भी है कि दुनिया जो है वो एक किराए का घर है, जी दुनिया किराए का घर है, जी इस घर को छोड़ना है, खाली जी करना है, लिहाजा इसमें इतना दिल ना लगाओ कि छोड़ते हुए अफसोस हो जाए, जी का इतना दिल ना लगाओ। चुनांचे इरशाद होता है, लेके ही ला तअसौ अला मा फातकुम। अफसोस ना करो, कफ़े अफसोस न मलो उस चीज़ पर जो तुमसे फोत हो जाए, बहुत जो हो खो जाए। जी अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि हमारी है ही नहीं, हमको तो सिर्फ इस्तेमाल की इजाज़त है, इस्तेमाल की इजाज़त भी उस सूरत में है कि जब हम जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है उस मकसद पर पूरे उतर रहे हों। जी अगर वो मकसद पूरा ना करें तो इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं नहीं है। लेके ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम। और जो तुम्हें हासिल होता है, जो तुम्हें मिलता है, उस पर बहुत ज़्यादा खुश ना हो। क्यों? इसलिए कि एक दिन ये भी छिन छिन जाए जाना जी है। छिन जाने की सूरत क्या है? कोई इंसान कहे जनाब कैसे छिन जाएगा, बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो दुनिया इंसान के पास आखिर तक रहती हैं। तो हम कहेंगे कि जनाब वाला ठीक है, नेमतें अगर आखिर तक रहें भी तो ये इंसान कब तक रहेगा, जी आखिर जो है वो इन नेमतों से जुदा हो जाना है। लिहाजा जी ज़ुहद का मतलब कुरान की आयत की नज़र में जी जो छिन जाए उस पर बहुत अफसोस ना करो, जो मिल जो रहा है उस मिल पर ज़्यादा जाए उस पर बहुत ज़्यादा खुश ना खुश ना हो हो। जी इंसान दुनिया से ज़्यादा लगाव ना रखे, जी दुनिया से इतना दुनिया से इतना जो है इंसान राबता और ताल्लुक़ और लगाव और मोहब्बत ना रखे जी कि जब दुनिया से जाने लगे उसको तो अफसोस अफसोस हो और दिल ना चाहे। जी बड़े अफसोस की बात है कि जब इंसान इस दुनिया से जाने लगे छोड़कर क्या जा रहा है जो उसका जी है नहीं, मिलने किससे जा रहा है जो मालिक हकीकी है, जी महबूब वाकई है, लेकिन उसके बावजूद इसको उस पर अफसोस, उसके छोड़ने पर अफसोस हो रहा है जो इसका नहीं है, जी और उसके मिलने पर खुशी नहीं है
कि जो महबूब वाकई है। बड़े अफसोस की बात है, लिहाजा इंसान को इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। शुक्रिया मौलाना साहब। अगला सवाल यह है कि जोहद और रूहानियत में क्या फ़र्क पाया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है ये बात, और बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ ये बात वाज़े कर देना बहुत ज़रूरी है कि जोहद और रूहानियत में क्या फ़र्क है। क्यों? इसलिए कि बाज़ लोग जो हैं वो जोहद के नाम पर गलत फ़ायदा कर उठाते हैं जोहद के नाम से। चुनांचे मौलाए कायनात के ज़माने में कुछ लोग जो हैं वो मस्जिद कूफा में जाकर बैठ गए तस्बीह लेकर, और सिर्फ उनका काम था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे कामों को छोड़े हुए थे। जब मौलाए कायनात कूफे में तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे सवाल हुआ कि ये लोग कौन हैं? कहा कि मौला ये जाहिदान कूफा हैं, ये हमारी कौम के जाहिद लोग हैं, इनका काम जो है वो सिर्फ तस्बीह व तकदीस है। कहा कि इनका खर्च अखराजात? का मौला वो तो हम लोग घर से एक दिन हमारे यहाँ से खाना आता है, एक दिन के यहाँ से, इस तरीके से। मौलाए कायनात ने कंबर से कहा कंबर घोड़ा लेकर आओ। उसके बाद इनको मुखातब करके समझाया है कि या तो तुम लोग अपने अहलो आयाल के खर्च के लिए काम करने के लिए निकल जाओ, वरना अली तुम्हारे साथ वो बर्ताव करेगा जो मुजरिमों के साथ किया जाता है। वजह क्या है, सबब क्या है? सबब ये है भाई, एक इंसान जिसकी बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, बच्चों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, बीवी को खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, घर की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। एक इंसान की तस्बीह लेकर बैठ जाने से, आज के ज़माने में तो इंसान जो है वो, इंसान के एक बच्चा होता है, दो बच्चे होते हैं, बहुत हुआ चार बच्चे हो गए, लेकिन अब जो है वो इस तरह का ख्याल नहीं है लोगों का। खैर, खुदावंद आलम जो है वो सबको तौफीक अता फरमाए, चूँकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि मैं उस बच्चे पर भी सख्त कर फ़ख्र करूँगा जो साकित होने से पहले, दुनिया में आने से पहले साकित हो जाए। लिहाजा जो है वो नस्ल तशय्यो को आगे बढ़ाना चाहिए, और इस सिलसिले में इंसान को पैगंबर मासूमी की सीरत पर अमल करना चाहिए। लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ राइज थी, शादियाँ भी एक से ज़्यादा लोग जो है मामूलन करते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे। एक इंसान की वजह से जो है 10 लोग परेशान हैं, ना उनके पास खाने के लिए है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, परेशानियाँ उठा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और ख़ुद ज़िल्लत, अल्लाह को ज़िल्लत पसंद नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि इज़्ज़त जो है अल्लाह के लिए, मोमिनीन के लिए है, और रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है, लेकिन ये मोमिन जो है मस्जिद में बैठ कर पूरे दिन मस्जिद में गुजार रहा है और उधर से ज़िल्लत कमा रहा है घर वालों के लिए। देखें, ज़ोहद का मतलब ये नहीं है, अल्लाह इस चीज़ का कायल नहीं है। अल्लाह तो कह रहा है कि तुम्हें इबादत करना है, पूरे दिन इबादत करो, हम कह रहे हैं पूरे दिन इबादत करो, लेकिन इबादत का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन मस्जिद में आकर बैठ जाओ, अपने अहलो अयाल के लिए रोज़ी कमाओ, ये भी इबादत, सोचो रोज़ी कमाने की सोचो, ये भी इबादत है, वालिदैन की इताअत करो, ये भी इबादत है। यानी अलकादुल अयाल ही फ़ी हलालिन कल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, जो इंसान अपने बच्चों के और अहलो अयाल के लिए रोज़ी कमाता है, कोशिश करता है, वो जो है इस तरीके से है जैसे राह खुदा अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हो। अगर मर जाए तो शुहदा में उसका नाम लिखा जाता है। मौला कायनात फरमाते हैं कि चूंकि तुम सबब बन रहे हो कि तुम्हारे बच्चे परेशान हों, जलील हों, लिहाजा जो है वो क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ मुजरिमों वाला बर्ताव करूँगा, तुम मुजरिम हो अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के। यानी ज़ोहद और रूहानियत में फ़र्क ये हो गया कि रूहानियत यानी दुनिया से अलग हो जाना, रूहानियत का मतलब ये है कि दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना, कारोबार से अलग हो जाना, लेकिन ज़ोहद का मतलब ये है कि दुनिया में रहकर बीवी बच्चों के लिए और अपने लिए तिजारत करके, काम करके, किसी भी तरीके से दुनिया में रहो लेकिन आखिरत के लिए रहो। ज़ोहद का मतलब यानी दुनिया से उतना इस्तफादा करो कि तुम्हारी आखिरत बन जाए, ना ये कि सिर्फ दुनिया में होकर दुनिया के रह जाओ। लेकिन रूहानियत ये है कि दुनिया में रहो और दुनिया बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, माँ बाप से दूर हो जाओ, सब तमाम चीज़ों को छोड़ दो। इस्लाम इसको मना करता है, मुखालिफत करता है, बल्कि इस्लाम ज़ोहद का कायल है। शुक्रिया मौलाना साहब बहुत बहुत। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई और दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारी बातचीत जारी है अली जना मौलाना सैयद असगर रज़ा साहब क़िबला के साथ। मौलाना साहब, ब्रेक के बाद आपसे आखिरी सवाल ये है कि ज़ोहद के आसार क्या हैं? देखिए, ज़ोहद के आसार के सिलसिले में जो है हम
मासूमिन की रिवायत की तरफ रुजू करते जी हैं और उसके ज़िल में जो है वो एक दो फ़वाद और आसार बयान करते हैं। जी चुनांचे पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़हद फ़ि दुनिया अदखल अल्लाहुल हिकमत फ़ी कल्बे। जी जो इंसान जुहद इख्तियार करता है दुनिया में, जी यानी क्या, यानी दुनिया से ज़्यादा रग़बत नहीं नहीं रख रखता, जी जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल के जवाब में जी भी कहा था कि जुहद का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान जो है वो दुनिया से बिल्कुल दूर जी हो जाए, बच्चों से, बीवी जी से। चुनांचे एक हदीस में भी आया है कि जुहद का मतलब ये नहीं कि इंसान हलाल खुदावंद आलम को छोड़ दे जी और दुनियावी लज्जत जो अल्लाह ने हलाल किए उनको जी छोड़कर चला जाए, बल्कि जुहद का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को बेमकदार इस्तेमाल करें यानी दुनिया में रहे आखिरत के लिए। जी, आखिरत के जी लिए। तो जिस इंसान ने ये काम किया, मन ज़हद फ़ि दुनिया, जी जिसने दुनिया में ये काम किया, अदखल अल्लाहुल हिकमता फ़ी कल्ब ही, अल्लाह ताला जो है वो हिकमत को उसके दिल में जी दाखिल कर देता है। जी फ़अन्तका बेहा लिसानहू, जी और क्या होता है, दिल में हिकमत दाखिल होती जी है और ज़बान से वो हिकमत जारी होती जी है, यानी बेआईन ही वही फ़ायदा है जो खुलूस का जी फ़ायदा था। मैंने कहा ना कि ये सब एक जितनी दूसरे भी से खूबियां हैं मुर्तबित हैं। एक जी दूसरे से जुड़ी हुई जी हैं। वअर्रफहु दा अद्दुनिया व दवाहा, अल्लाह ताला जो है वो उसको सिखा देता है, बता देता है, दा अद्दुनिया, दुनिया की बीमारियां, व दवाहा, जी और उसकी दवाओं दवाई के बारे जी में, यानी वो बीमारियों से भी बाखबर हो जाता है जी और उनके इलाज से भी। जी व अखरजहू मिनहा सालिमन इला दारिस सलाम, और अल्लाह ताला के वसीले से ये इंसान जो है, जाहिद इंसान, अखरजहू मिनहा सालिमन, सलामती के साथ इस दुनिया से जी चला जाता है जी इला दारिस सलाम, वादियुस सलाम की तरफ, दारिस सलाम की जी तरफ। तो इस हदीस में जो है वो तीन फ़ायदे बताए गए जी हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हिकमत इंसान के तक दिल में हिकमत हिकमत आती है और जी ज़बान से जारी जारी होती है। जी दूसरा ये है कि वो दुनिया की बीमारी और उसके इलाज को जान जान लेता जाता है, है, वाकिफ हो जाता और है। यहाँ पर मुराद जो है वो सिर्फ बीमारी और इलाज नहीं है जी बल्कि मुसीबतें और उनका हल, जी ये भी मुराद है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब इस दुनिया से जाता है तो सलामती के साथ जी जाता है। एक और हदीस में जो है वो इरशाद हुआ है, हदीस तुलानी है, मन इश्ताका इलल जन्नत सारा इलल खैरात, जो जी इंसान जो है जन्नत का मुश्ताक होता है वो नेकियों की तरफ जी दौड़ता है। इसी तरीके से जो है वो हदीस आगे फरमाती है, वो मन खाफ मिन नारे नहा अनि शहवात, जो इंसान जो है वो जहन्नम से डरता है वो शहवात से दूर हो जाता है, जी ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत करता है। वो मन तरक कबल मौता तरक लज्जात, और जो मौत की हकीकत को जान लेता जी है वो जो है वो लज्जतों को छोड़ देता है, जी दुनियावी ऐसी लज्जतों को जो हराम है, जी हलाल लज्जतों को नहीं। जी वो मन ज़हद फ़ि दुनिया हानत अलैहिल मुसीबात, और जो इंसान जो है दुनिया में जुहद इख्तियार कर ले, जी मुसीबतें उसके सामने नाचीज़ हो जाती जी हैं, मुसीबतें उसके सामने जो है वो बहुत छोटी नज़र आने जी लगती हैं। गोया इन दो हदीसों के ज़ेल में जो है हमें जुहद के चार फ़ायदे जी मालूम होते हैं। जी सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हिकमत हिकमत इंसान को हासिल होती जी है, ज़बान से उसके चश्मे जारी होते जी हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान दुनिया के आलाम बीमारी और और मसाइब और जी उनके हल, बीमारी और उनके इलाज जी से वाकिफ़ हो जाता है। तीसरे ये कि जब जब वो इस दुनिया दुनिया से से जो जाता है तो सलामती के सलामती साथ जाता है। जी और चौथे ये कि दुनिया की मुश्किलात मुसीबत इंसान के सामने जी कोशिश नाचीज़ कम हो हो जाती जाती है। हैं, जी कम हो जाती हैं। अगर इंसान जो है इन्हीं फ़वाद को सोचते हुए दुनिया से दिल बुरीदा हो जी जाए, दुनिया से दिल ना लगाए, तो उसके लिए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बहुत मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और सवालात के जवाब दिए और दोस्तों को जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई और दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे रुख्सत होने का। जाने से पहले इस दर्स का आपके सामने खुलासा बयान कर देते हैं। आज हमारी बातचीत मौना साहब से जुहद के ऊपर हुई कि जहाँ पर सबसे पहले मौना साहब ने जुहद के माना बताए कि जुहद के माने छोड़ना, तर्क करना, और उसके बाद अगर इस माने को हम कुरान मजीद की आयत के अतबार से देखेंगे, जो बहुत अच्छे माने कुरान मजीद ने बयान किए वो ये हैं कि लेकै ला तासुकुम अला मा फातुकुम, लेकै ला तासौ अला मा फातुकुम वला तफरहु बेमा आताकुम, कि जो चीज़ें तुम्हें मिल गई हैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश ना हो और जो चीज़ें तुम्हारे हाथ से चली जाएं उनका तुम्हें ज़्यादा अफसोस नहीं होना चाहिए। इस ये है जुहद के माने। उसके बाद जुहद और रूहबानियत में फ़र्क क्या है, इसके बारे में मौलाना साहब ने कहा कि
कि जुहद और रूहानियत में बहुत बुनियादी फ़र्क पाया जाता है, वो ये है कि रूहानियत कहते हैं कि दुनिया से दूर होकर अल्लाह के लिए इबादत करना और उसकी बंदगी करना, ये रूहानियत है और इस्लाम इसका कायल नहीं है। लेकिन जुहद ये कहते हैं कि इंसान दुनिया में रहे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, उनका आजूका फराम करे और उसके बाद परवरदिगार की इबादत करे और उसकी बंदगी करे, ये है जुहद। जुहद का इस्लाम कायल है और उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद करता है, उसकी मदह करता है, लेकिन रूहानियत का इस्लाम कायल नहीं है। उसके बाद मौलाना साहब ने जुहद के आसार और फ़वाद बताए, जिनमें से चार फ़ायदों की तरफ इशारा किया। सबसे पहले यह है कि जो इंसान परवरदिगार से जो इंसान दुनिया में जाहिद हो जाता है, उसका पहला फ़ायदा और पहला असर ये होता है कि परवरदिगार उसको हिकमत अता करता है जिसके चश्मे इंसान की ज़बान से जारी होते हैं। दूसरी बात यह है कि परवरदिगार आलम इंसान को दुनिया की जो बीमारियाँ, दुनिया के आलाम व मसाइब हैं, उनका इलाज अता करता है और उनके इलाज के बारे में इल्म देता है। तीसरी चीज़ यह है कि इंसान जब इस दुनिया से जाने लगता है तो सलामती के साथ जाता है। और चौथी चीज़ यह है कि इंसान को जो दुनिया की मुसीबतें हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं और वह कलील नज़र आती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपसे रुख्सत व खुदाहाफ़िज़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। हमारा मौजू होगा कनात। खुदा हाफिज़। वस्सलाम। سامع الأصوات